सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल सेवी सिंह को और प्रेस करें बेल आइकन पर सारे लेटेस्ट यूजफुल अपडेट सबसे पहले जानने के लिए, और ये बिल्कुल फ्री है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेवी सिंह। फ्रेंड्स, हम यहाँ आपके साथ एक DIY रेसिपी शेयर कर रहे हैं जिसमें बताया गया है कि विटामिन ई का प्रयोग करके घर पर ही फेस सीरम कैसे बनाया जा सकता है। फेस सीरम के कई लाभ होते हैं, जैसे कि त्वचा को मुलायम बनाना और चमकदार भी बनाना। और इसको बनाने के लिए हमें किन किन सामान की ज़रूरत है, तो आइए जानते हैं। इसमें चाहिए हमें विटामिन ई का कैप्सूल्स, लोबान का तेल, बादाम का तेल और एलोवेरा जेल और एक खाली बोतल। अब इसको बनाना कैसे, आइए जानते हैं। एक साफ कटोरे में 2 टेबलस्पून प्रत्येक सामग्री को ले लें और इन्हें अच्छी तरह से मिलाएं। विटामिन ई के 2 कैप्सूल तोड़ें और उसमें तेल निकालें और बाकी की सामग्री में मिला दें। फेस वॉश से चेहरे को धोएं और सोने से पहले इस सीरम से चेहरे की मालिश करें। इसकी मालिश तब तक करते रहें जब तक कि आपकी त्वचा इसे सोख ना ले, और ये सीरम पूरी रात आपकी त्वचा में सुधार लाएगा। इसमें हमने एलोवेरा जेल का इस्तेमाल किया है। एलोवेरा जेल त्वचा से संबंधित समस्याओं जैसे सनबर्न, रैशेस, मुहासे आदि से आराम दिलाता है। वास्तव में एक चमत्कारी जेल है जो त्वचा की सभी समस्याओं को दूर करता है। बादाम का तेल त्वचा को हाइड्रेट करता है और सीरम के लिए एक अच्छे बेस की तरह कार्य करता है। इसमें भी विटामिन ई पाया जाता है। लोबान का तेल हाइपरपिगमेंटेशन की समस्या वाली त्वचा के लिए ये ऑयल बहुत ही अच्छा होता है। यदि आपके चेहरे की रंगत असमान है तो ये वास्तव में आपके लिए लाभकारी है। विटामिन ई का कैप्सूल ये किसी भी प्रकार के घाव के निशान को दूर करता है और दागों को भी हल्का करता है। ये एक एंटी एजिंग का भी काम करता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर करें और मुझे कमेंट भी करें। थैंक यू फ्रेंड्स।